बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजनद न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफारी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान जई एक हमले में जां बहक हो गए हैं। उन्हें उनके आबाई शहर खारान में नामालूम मुसल्ला अफराद ने जुमे की शब निशाना बनाया। रुखसान नवीन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नज़ीर अहमद कुर्द का कहना है कि हमले में ज़ख्मी होने के बाद उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताप न लाकर चल बसे। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने इन पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। मोहम्मद नूर मुस्कान जई पर हमला इनके आबाई शहर खारान में इनके घर के करीब एक मस्जिद में किया गया। डीआईजी पुलिस रुखसान दवियन नज़ीर अहमद कुर्द ने बताया कि वो इस मस्जिद में नमाज इशा की अदायगी के लिए गए थे। वो मस्जिद में नमाज की अदायगी में मसरूफ थे कि नामालूम मुसल्ला अफराद ने मस्जिद की खिड़की से इन पर फायर खोल दिया। इनका कहना था कि जब इन पर हमला किया गया तो इस वक्त मस्जिद में नमाजियों की तादाद कम थी। इस हमले में मोहम्मद नूर मुस्कान जई समेत दो अफराद जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां साबिक चीफ जस्टिस जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। डीआईजी पुलिस ने बताया कि गोलियां साबिक चीफ जस्टिस के कंधों के नीचे लगी थीं। बाद इतलात के मुताबिक इन्हें चार गोलियां लगीं। डीआईजी पुलिस ने बताया कि फायरिंग के फौरन बाद हमला आवर जाए वकुआ से फरार हुए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इनका कहना था कि चीफ जस्टिस पर हमले के बारे में मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मुस्कान जई का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला खारान से था। वो 1 सितंबर 1956 को खारान के इलाके कनरी में पैदा हुए। उन्होंने प्राइमरी तालीम हाई स्कूल कनरी से हासिल की, जिसकी बुनियाद इनके वालिद मौलवी मोहम्मद कासिम बलोच ने रखी थी। ये खारान में सबसे पहला प्राइवेट स्कूल था, तहम 1951 के बाद इसे सरकारी तावील में ले लिया गया। हाई स्कूल खारान से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने मजीद तालीम के लिए क्वेटा का रुख किया, जहाँ डिग्री कॉलेज क्वेटा से एफ ए किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से बीए और बीएड की डिग्री हासिल की और 1980 में ला कॉलेज क्वेटा से एलएलबी किया। मोहम्मद नूर मुस्कान जई 1981 में वकील की हैसियत से प्रैक्टिस का आगाज किया। वो मार्च 2005 में बलोचिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। 7 सितंबर 2009 को उन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया गया, जबकि मई 2011 में उन्हें मुस्तकिल किया गया। वो 26 दिसंबर 2014 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए और 31 अगस्त 2018 को चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर हुए। मोहम्मद नूर मुस्कान जई फेडरल शरीयत कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान मीर जान मोहम्मद खान जमाली और वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने खारान में साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कान जई की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। कायम मकाम गवर्नर ने साबिक चीफ जस्टिस की शहादत को इंतहाई अफसोसनाक वाकया करार दिया। वजीर आला बलोचिस्तान ने साबिक चीफ जस्टिस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमन दुश्मनों के बुजदिलाना हमले कौम को मरूब नहीं कर सकते। मुशीर बराए दाखला मीर जियाउल्लाह लांगो ने साबिक चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद मुस्कान जई पर कातिलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि मुतल्लिका हुकाम को मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया गया है। खारान बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से जनूब मगरब में 300 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर वाक़े है। खारान शहर न सिर्फ जिला खारान बल्कि रक्षा डवियन का भी हेडक्वार्टर है। खारान की आबादी मुख्तलिफ बलोच कबाइल पर मुश्तमिल है। सन 2000 के बाद बलोचिस्तान में हालात की खराबी के बाद से खारान शहर और जिला के दीगर इलाकों में भी बद अमनी के वाकयात पेश आ रहे हैं। ताहम सरकारी हुकाम का कहना है कि माजी के मुकाबले में खारान में सूरत हाल में बेहतरी आई है। शरीयत कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान जई पर कातिलाना हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने कबूल की है।
ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।